हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे अतीत का इंग्लिश मीनिंग। अतीत का इंग्लिश मीनिंग होता है पास्ट और डिपार्टेड। पास्ट और डिपार्टेड, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन, यहाँ पास्ट का मतलब अतीत होता है। उदाहरण, अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ो। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।